टैक्सील डॉट कॉम के यूट्यूब चैनल पर मैं सी एस सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। चलिए डिस्कस करते हैं जी एस टी न्यूज ऑन थर्टीन ऑफ दिसंबर टू थाउजेंड सेवनटीन यदि आप ट्रेन वन फाइल करने जा रहे हैं तो उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट किस प्रकार क्लेम करना है इसके लिए गवर्नमेंट ने एडवाइजरी इशू की है जी एस टी एक्ट आने से पहले यदि आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है तो आप ट्रेन वन फाइल करके उसका जी एस टी एक्ट के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं ट्रेन वन को फाइल करने की लास्ट डेट 27 दिसंबर 2017 है और इसको रिवाइज़ करने की लास्ट डेट भी 27 दिसंबर 2017 है सरकार ने कहा है कि नोट किया गया है कि कुछ लोगों ने हाई ट्रांजिशनल क्रेडिट क्लेम कर लिया है हालांकि इसके लिए उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इन यूनिट्स को सरकार आइडेंटिफाई कर रही है इसलिए यदि आपने गलती से ज़्यादा ट्रांजिशनल क्रेडिट अपने ट्रेन वन में क्लेम कर लिया है तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं बाई ट्वेंटी सेवन डिसम्बर टू थाउजेंड सेवनटीन यदि आपने गलती से इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया है और आप इसे रेक्टिफाई नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट इसके लिए ऑडिट और इन्फोर्समेंट एक्शन ले सकती है यदि जीएसटी एक्ट के अंदर गुड्स को डिटेन कर लिया जाता है और गुड्स की मिस क्लासिफिकेशन और वैल्यूएशन सामने आती है तो उस केस में क्या होगा इस केस में हाई कोर्ट ने एक जजमेंट इशू की है इस जजमेंट में मेन इशू यह था कि गुड्स को डिटेन कर लिया गया था मेन रीज़न ये था कि इन के अंदर एटीन परसेंट लगाया गया था जबकि डिटेनिंग ऑफिसर कह रहा था कि इसके अंदर 28 एट परसेंट जी लगेगा इसलिए डिटेनिंग ऑफिसर ने डिटेंशन नोटिस इशू कर दिया आस्किंग द से टू पे 28 एट परसेंट जी एंड डिपॉजिट अमाउंट फॉर सिक्योरिटी डिपॉजिट लेकिन हाई कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि मिस क्लासिफिकेशन और अंडर वैल्यूएशन का इशू असेसिंग ऑफिसर ही डिसाइड कर सकता है डिटेनिंग ऑफिसर यह इशू डिसाइड नहीं कर सकता है इसलिए केरला हाई कोर्ट ने गुड्स को रिलीज़ करने का ऑर्डर दे दिया है ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल बॉन्ड बिना किसी श्योरिटी पे इसके लिए आप केरला हाई कोर्ट की जजमेंट को रेफर कर सकते हैं समीर मैट इंडस्ट्री वर्सेस स्टेट ऑफ केरला नवंबर ट्वेंटी सेवनटीन जिसका लिंक जी एस टी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है कुछ टैक्स पेयर ने जी के रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन को फाइल करते हुए टैक्स पेयर टाइप में एस और आई सेलेक्ट कर लिया था जबकि वे रेगुलर टैक्स पेयर हैं तो अब इसको किस प्रकार चेंज किया जा सकता है जी नेटवर्क ने इसे क्लैरिफाई किया है जी नेटवर्क ने कहा है कि रीज़न फॉर रजिस्ट्रेशन को चेंज नहीं किया जा सकता है इसके लिए आपको जो करंट जी नंबर है उसे सरेंडर करना होगा और नया जी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना होगा जी के अंदर रिफंड लेने के लिए आप एक एप्लीकेशन को किसी टैक्स पीरियड के लिए कितनी बार फाइल कर सकते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस के केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफ़ंड क्लेम करने के लिए फैसिलिटी जीएसटी पोर्टल पर अवेलेबल करा दी गई है रिफ़ंड की एप्लीकेशन आप तभी फ़ाइल कर सकते हैं यदि आपने जी एस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के लिए फ़ाइल कर दिया है और आज जी की रिफ़ंड एप्लीकेशन को सिर्फ एक बार ही किसी पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के लिए फ़ाइल कर सकते हैं यदि आप जी की कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो इसके लिए फैसिलिटी अवेलेबल करा दी गई है अब अर्लियर पीरियड और फ्यूचर डेट दोनों के लिए ही आप ऑप्ट आउट की फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं इससे पहले जी की कॉम्पोजिशन स्कीम को सिर्फ आप करंट डेट से ही ऑप्ट आउट कर सकते थे रूल फोर्टी फोर एफ सी रूल को कब अप्लाई करना है यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिवर्सल सी जी एस टी रूल टू थाउजेंड सेवनटीन का रूल फोटी फोर आपको स्पेशल सर्कमस्टेंस में अप्लाई करना है यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करने के लिए जब आप रेगुलर स्कीम से कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट इन करते हैं या फिर टैक्सेबल सप्लाई से आपकी सप्लाई एग्जाम सप्लाई बन जाती है या फिर जब आप जी एस टी की रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करते हैं या फिर जो कैपिटल गुड्स आपने परचेज की थी यानी कि सप्लाई की थी उसकी आप फर्दर सप्लाई करते हैं या एंड मशीनरी के फर्दर सप्लाई करते हैं जिस पे क्या कि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया था रूल 44 सी जीएसटी रूल का यह कहता है कि सेक्शन 18 सब सेक्शन फोर के केसेस में या फिर सेक्शन 29 नाइन सब सेक्शन फाइव के में केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिवर्सल किस प्रकार करना है सेक्शन 18 सब सेक्शन फोर सी जीएसटी एक्ट टू थाउजेंड का यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करता है रेगुलर स्कीम से कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर आता है या फिर उसके गुड्स और सर्विस होली एग्जम्प्ट बन जाती हैं तो जिस दिन यह इवेंट टक्कर होता है उससे एक दिन पहले उसके पास जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है इनपुट का या फिर जो इनपुट सेमी फिनिश गुड्स या फिनिश गुड्स में पड़े हुए हैं या कैपिटल गुड्स रिड्यूस बाय प्रस्क्राइब परसेंटेज उसके इक्वलेंट उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या फिर क्रेडिट लेजर से डेबिट करना होगा और इसके बाद जो भी उसका अमाउंट बचेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से वह लैप्स हो जाएगा सी जी एस टी एक्ट का सेक्शन ट्वेंटी नाइन सब सेक्शन फाइव यह कहता है कि यदि किसी व्यक्ति की जी एस टी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाती है तो जिस दिन यह रजिस्ट्रेशन कैंसिल होती है उससे एक दिन पहले उसके पास जो भी इनपुट्स पड़े हैं या सेमी फिनिश गुड्स या फिनिश गुड्स के अंदर जो इनपुट्स पड़े हैं या कैपिटल गुड्स प्लांट एंड मशीनरी उसके पास पड़ी हुई है उसके ऊपर उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना होगा या फिर जो उसका आउटपुट टैक्स पेबल है गुड्स के ऊपर इन दोनों में से जो भी अमाउंट हाई होगा उसके इक्वलेंट उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से डेबिट करना होगा या फिर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करना होगा और कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी के केस में जो अमाउंट है इनपुट टैक्स क्रेडिट का वो प्रस्वाइड परसेंटेज से रिड्यूस किया जाएगा या फिर जो ट्रांजैक्शन वैल्यू आएगी कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी की इन दोनों में से जो भी अमाउंट हाई होगा उसके इक्वलेंट उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से डेबिट करना होगा या फिर कैश लेजर से पे करना होगा रूल 44 ए सी जी रूल का यह कहता है कि यदि आपके स्टॉक में इनपुट्स या फिर फिनिश गुड्स और साइन फिनिश गुड्स के अंदर इनपुट पड़े हुए हैं तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट पर कैलकुलेट करना है उन इन्वाइस के ऊपर जिनके ऊपर के आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है और कैपिटल गुड्स के केस में आपकी जो यूज़फुल लाइफ है कैपिटल गुड्स की वो पाँच साल मानी जाएगी और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के प्रोडक्टा बेसिस पे कंप्यूट किया जाएगा मान लीजिए आपके कैपिटल गुड्स जो है चार साल छः महीने पंद्रह दिन के लिए यूज़ हो गई हैं तो रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ हुई हुई फाइव मंथ्स क्योंकि टोटल यूज़फुल लाइफ कैपिटल गुड्स की फाइव ईयर हमारी मानी जाएगी और इनपुट एस क्रेडिट इस केस में जो रिवर्स किया जाएगा उसको सी बोला जाएगा तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो एट्रीब्यूटेबल है रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के लिए वो सी मल्टीप्लाई बाई फाइव बाई सिक्सटी रूल फोर्टी फोर ऑफ सी जी एस टी रूल टू थाउजेंड सेवेंटीन का जी एस टी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है आइए हम रूल फोर्टी फोर सी जी एस टी रूल को एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं मान लीजिए कैपिटल गुड्स की आपकी वैल्यू है वो टू लाख रुपीज़ है इसके ऊपर जो आई जी एस टी एट द रेट ट्वेल्व परसेंट आपने पे किया है वो ट्वेंटी फोर थाउजेंड है इसी हम ए कहेंगे टोटल इन्वास्ट वैल्यू होगी आपकी टू लाख ट्वेंटी फोर थाउजेंड जो आपने डेट ऑफ शिफ्टिंग कॉम्पोजिशन स्कीम है यानी कि आप रेगुलर स्कीम से कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर आए हैं है, वो फर्स्ट अप्रैल 2018 है या फिर आपने जो टैक्सेबल सप्लाई है वो एग्जाम सप्लाई आपकी बन गई है ऑन फर्स्ट अप्रैल 2018 और जो डेट ऑफ सप्लाई एंड यूज ऑफ कैपिटल गुड्स है वो फर्स्ट सप्तर टू है यानी कि जिस दिन आपने कैपिटल गुड्स को परचेज किया था वह फर्स्ट सपंबर टू है आपका पीरियड ऑफ यूज डेज में आ गया फर्स्ट सप्तम्बर टू थाउन्न टू 31 मार्च 2018 तक दो सौ बारह दिन पीरियड ऑफ यूज़ इन मंथ्स आ गया आपका सेवन मंथ्स तो जो रेसिडुअल लाइफ है इन मंथ्स सिक्सटी मंथ्स हम टोटल लाइफ लेते हैं कैपिटल गुड्स के केस में माइनस सेवन मंथ्स आपने ऑलरेडी इसको यूज़ कर लिया तो जो रिमेनिंग लाइफ है कैपिटल गुड्स की वह रहेगी फिफ्टी थ्री मंथस जिसे हम बी कहेंगे हमारे पास ए पहले ही हमने कैलकुलेट कर लिया था ट्वेंटी फोर थाउजेंड रुपी जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट कैपिटल गुड्स पर अवेल किया है तो जो इनपुट एस क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू रेसिडुअल लाइफ है वे आ गया सी इक्वल टू ए इन बी डिवाई बाई सिक्सटी यानी कि ट्वेंटी फोर थाउजेंड मल्टीपाई बाई फिफ्टी थ्री डिवाईड बाई टू ट्वेंटी वन थाउजेंड टू हंड्रेड रुपीज़ मान लीजिए आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट में थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एटीन को ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पड़े हुए हैं यानी कि जिस दिन की आपने रेगुलर स्कीम से कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर आए हैं उस दिन यह बैलेंस आपका पड़ा हुआ है या फिर आपकी टैक्सेबल सप्लाई एक्ज सप्लाई बन जाती है उस दिन आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर इतना बैलेंस पड़ा हुआ है और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने अभी निकाला है कैपिटल गुड्स पे जो आपको रिवर्स करना है वह ट्वेंटी वन थाउजेंड टू हंड्रेड तो बैलेंस इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो थर्टी एट हंड्रेड रुपीज़ रह जाएगा इस बैलेंस इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या होगा यह बैलेंस इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका लैप्स कर जाएगा इसी प्रकार सिचुएशन नंबर टू हमारे पास मान लीजिए आपके पास जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैलेंस है वो ट्वेंटी थाउजेंड है जो आपको रिवर्स करना है वो ट्वेंटी वन थाउजेंड टू हंड्रेड रुपीज है तो जो ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज है वो आपको टैक्स पेबल आपका बन जाएगा यानी कि आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ये ऐड कर दिया जाएगा और आपको इसको पे करना है आपको यह अमाउंट पे कैसे करना है यानी कि जब आप रेगुलर स्कीम से कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट करते हैं या फिर आपकी टैक्सेबल सप्लाई एग्जाम सप्लाई बन जाती है तो उस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो रिवर्सल है वो पे कैसे करना है उसके लिए आपको जी एस टी फॉर्म जो है वो फाइल करना है जी पोर्टल पर एज पर रूल फोर्टी फोर यह फॉर्म यह कहता है कि यदि आप एटीन फोर के अंदर फॉल करते हैं तो उस केस में आपको इंटीमेशन अपने रिवर्सल का इनपुट टैक्स क्रेडिट का किस प्रकार देना है यदि किसी व्यक्ति की जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाती है तो इस रूल के अंदर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट किया जाएगा उसकी रिवर्सल के लिए उसको यह अमाउंट अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में दिखाना होगा और उसके लिए उसे फॉर्म जी एस फाइल करना है टू फोर्टी फोर ऑफ सी जी एस टी टू टू थाउजेंड सेवेंटीन को हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं मान लीजिए आपकी कैपिटल गुड्स हैं टू लाख रुपीज़ की और आई जी एस टी ट्वेंटी फोर थाउजेंड आपने पे किया है टोटल वैल्यू होगी टू लाख ट्वेंटी फोर थाउजेंड आपने जिस दिन कम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया है वह फर्स्ट अक्टूबर टू एंड इनवर्ट सप्लाई की डेट है फर्स्ट सितंबर 2017 इस प्रकार जो आपका पीरियड ऑफ यूज़ है वह फाइव ईयर वन मंथ्स हो गया यानी कि फर्स्ट सितंबर 2017 से फर्स्ट अक्टूबर 2022 तक आप फाइव ईयर वन मंथ्स के लिए इन कैपिटल गुड्स को यूज़ कर चुके हैं और जो कैपिटल गुड्स की यूजफुल लाइफ है जीएसटी एक्ट के रूल 44 के अंदर ईयर मानी गई है इसलिए आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करने की कोई आवश्यकता नहीं है यदि कोई व्यक्ति अपनी कैपिटल गुड्स या प्लांट एंड मशीनरी को इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के बाद सप्लाई कर देता है यानी कि सेल कर देता है तो उस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स किस प्रकार किया जाएगा इसके लिए आपको रूल फोर्टी सब क्लोज सिक्स को रेफर करना होगा जो कि यह कहता है कि यदि सेक्शन एटीन सिक्स के अंदर जो केसेस मेंशन किए गए हैं उस केस में यदि कोई व्यक्ति अपनी कैपिटल गुड्स के ऊपर जिसके ऊपर के उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया है उसको फर्दर सप्लाई करता है तो उस केस में भी इनपुट टैक्स क्रेडिट सेम वे से कैलकुलेट किया जाएगा जैसे कि हमने रूल फोर्टी फोर वन बी के अंदर कैलकुलेट किया है यानी कि यूजफुल लाइफ कैपिटल गुड्स की फाइव ईयर लेके और ये जो अमाउंट है इनपुट टैक्स क्रेडिट का वो सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स और यूनियन टैक्स टैक्स और इंटीग्रेटेड टैक्स के लिए सेपरेटली कैलकुलेट किया जाएगा यदि हम एटीन सिक्स सेक्शन को देखते हैं सी जी एस टी एट तो वह यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति कैपिटल गुड्स या प्लांट प्लांटर मशीनरी की सप्लाई करता है जिसके ऊपर कि उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया था यानी कि लेने के बाद वह फर्दर उसकी सेल कर देता है या सप्लाई कर देता है तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट पर स्क्वायर परसेंट से रिड्यूस करके पे करना है या फिर जो ट्रांजेक्शन वैल्यू आएगी उन कैपिटल गुड्स और प्लांटर मशीनरी की दोनों में से जो भी हाई हो लेकिन यदि वह रीफैक्ट्री ब्रिक मोल्ड डाइज जिग्स फिक्सचर की सप्लाई करता है एज ए स्क्रैप तो उस केस में ट्रांजेक्शन वैल्यू को ही कैलकुलेट किया जाएगा और उसके ऊपर उसका जो टैक्स है वो पे करना होगा लेकिन यदि किसी व्यक्ति की जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वह अमाउंट ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जो टैक्स बना है उससे ज़्यादा आ जाता है तो उस केस में उसको अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के अंदर जी एस टी वन में यह अमाउंट दिखाना है इसके लिए आप रूल 44 ऑफ़ सी रूल को रेफर कर सकते हैं जिसका लिंक ये जी एस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है जी पर नई बुक्स मार्केट में आ गई हैं जी एस टी रेड रेडी रखना जी एस जी एस टी रेट ट्रैकनर एंड जी एस टी मैनुल ये सभी बुक्स नवंबर 2017 तो के अंदर इशू की गई हैं और इनके अंदर जो नोटिफिकेशन सेवनटीन ऑफ नवंबर 2017 को इशू किए गए हैं वह भी इनकॉरपोरेट किए गए हैं इन बुक्स का लिंक की जी एस टी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है जी एस टी रिटर्न की ड्यू डेट्स क्या है इसको नोटिफिकेशन वाइज मंथ वाइज और फॉर्म वाइज टेक्सील डॉट कॉम की टीम ने कंपाइल किया है आप देख सकते हैं कि यदि आप इस फोन नंबर पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म ओपन हो जाएगा रेलिवेंट डिस्क्रिप्शन भी दी गई है रेलिवेंट रूल भी दिया गया है जैसे आप इस रूल पर क्लिक करेंगे तो रूल ओपन हो जाएगा और जैसे ही आप इसकी ड्यू डेट पर क्लिक करेंगे तो ये जो ड्यू डेट है मंथ वाइज वे आपके सामने आ जाएगी इसके अलावा जी एस टी आर से रिलेटेड भी जो कंपाइलेशन में की गई है इसके अलावा जो दूसरे जी एस के फॉर्म है जैसे कि जी एस और ट्रेन वन उनकी भी कंपाइलेशन की गई है इसके लिए आप इस यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को रेफर करें और इस पेज को बुक मार्क कर लें क्योंकि जैसे ही इन डेट्स के में कोई भी अपडेशन होगा हम इस पेज पे अपने अपडेट करेंगे ये दोस्तों देखते हैं कि आप ये ड्यू डेट वाले पेज को किस प्रकार ओपन कर सकते हैं सबसे पहले आपको टैक्सील पर जाना है अपने ब्राउज़र में टैक्सील टाइप करना है उसके बाद ये आपके पास आ जाएगी जीएसटी अपडेट की टैब इसमें सबसे ऊपर है ड्यू डेट आप इन्हें क्लिक करें जैसे ये पेज ओपन हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्म नंबर पर्टिकुलर रेफरेंस और ड्यू डेट्स हैं आप फॉर्म को भी रेफर कर सकते हैं पर्टिकुलर भी दिए गए हैं रेफरेंस मटेरियल और ड्यू डेट्स भी दी गई हैं जैसे आप इस बटन पर क्लिक करेंगे आप इसको यहाँ पे जाके अपने बुकमार्क के अंदर इसको ऐड कर सकते हैं डन तो आप फ्यूचर में जैसे ही आप इस फॉर्म को ओपन करेंगे तो डायरेक्टली ये जो पेज है आपका ओपन हो जाएगा तो जैसे ही आप जैसे जी एस थ्री बी को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मंथ वाइज जो है इनकी ड्यू डेट है वो मिल जाएगी जैसे मार्च 2017 के लिए जो ड्यू डेट है वो क्या है और इसका जो रेफरेंस मटेरियल है वो भी आप रेफर कर सकते हैं यहाँ पे जो रेलिवेंट नोटिफिकेशन है उनको भी दिया गया है मान लीजिए जो अगस्त 2017 के लिए ड्यू डेट जो है ट्वेंटी 20 सितंबर 2017 थी तो इसके लिए आप जो रेलिवेंट नोटिफिकेशन है इसको क्लिक कर सकते हैं जैसे ही आप नोटिफिकेशन को क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन ओपन हो जाएगा इस नोटिफिकेशन में जो सेक्शन है आप उनको भी रेफर कर सकते हैं जैसे ही आप इन सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो ये सेक्शन जो है वह भी ओपन हो जाएंगे आपके सामने तो ये जो टूल है एक रेडी रेकनर की तरह आपके लिए काम करेगा इसलिए आप वेबसाइट को भी आप एज अ जो है बुकमार्क वो सेव कर सकते हैं यहाँ पे जो है जी एस टी एक्ट एस जी एस टी एक्ट जी एस टी काउंसिल मीटिंग नोटिफिकेशन सी सी जी एस टी नोटिफिकेशन सी जी एस टी टैक्स रेट नोटिफिकेशन एस जी एस टी नोटिफिकेशन भी दिए गए हैं इनका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि जब आप नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो नोटिफिकेशन के अंदर जो सेक्शन दिए गए हैं उनके भी लिंक इसके अंदर ही दिए गए हैं तो आपको सेपरेट से कोई बुक इमीजिएटली रेफ़र करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आप सी जी एस टी यू टी जी एस टी आई जी एस टी या फिर एस जी एस टी एक्ट के किसी भी सेक्शन को किस प्रकार ईजली सर्च कर सकते हैं इसके लिए आप टैक्स डॉट कॉम की जी एस टी टैप अपडेट ऐप पर क्लिक करें वहाँ पे आप किसी भी जो सेक्शन है जी सी जी एस टी का या यू टी जी एस टी या जी एस टी एक्ट का उसको क्लिक ऑफ माउस के साथ जो है वो एक्सेस कर सकते हैं आइए जानते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं आप सबसे पहले आपको टैक्स डॉट कॉम को अपने ब्राउज़र में जो है वो टाइप करना है टैक्स डॉट कॉम इसके बाद आपको यहाँ पे जो जी अपडेट की टैब है वहाँ पे जाना है यहाँ पे जी एक्ट और एस जी एक्ट दिए गए हैं यानी कि रेलिवेंट स्टेट के जो एक्ट हैं वो भी दिए गए हैं स्टेट वाइज और जो जी एक्ट है वह भी दिया गया है जैसे जी एक्ट पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर सेंट्रल जी एस टी एक्ट स्टे यू टी जी एस टी एक्ट आई जी एस टी एक्ट वगैरह दिए गए हैं जैसे आप सी जी एस टी एक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको जो रेलीवेंट सेक्शन है वो चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जैसे कि आप सी जी एस टी एक्ट का चैप्टर देख सकते हैं यहाँ पे चैप्टर वन प्रिलिमिनरी यहाँ पे सेक्शन वन सेक्शन टू दिए गए हैं चैप्टर वाइज जब मान लीजिए आप सेक्शन नाइन को रेफर करना चाहते हैं लेवियन कलेक्शन जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं सेक्शन नाइन पर तो जो सेक्शन नाइन है वह ओपन हो जाएगा सेक्शन नाइन को आप रेफ़र कर सकते हैं मान लीजिए सेक्शन नाइन के अंदर जैसे कि सेक्शन फिफ्टीन दिया गया है तो जैसे आप सेक्शन फिफ्टीन पर क्लिक करेंगे तो सेक्शन फिफ्टीन भी ओपन हो जाएगा इसके अलावा जो ये नोट यहाँ पे नोटिफिकेशन दी गई है उनके नो no, का को लिंक भी इस पेज के जो है नोट के अंदर दिए गए हैं आप इन नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर, कर रेफर कर सकते हैं जैसे ही मैंने सेक्शन 15 क्लिक किया तो सेक्शन 15 जो है वो ओपन हो जाता है और इस सेक्शन के अंदर भी अगर फर्दर सेक्शन या एक्ट का लिंक दिया गया है तो वह भी आप क्लिक कर, कर रेफर कर सकते हैं इस प्रकार जो आप जीएसटी एक्ट है वह इजिली यहाँ पर रेफर कर सकते हैं यदि आपने इससे पुराने जो जी एस टी न्यूज़ हैं या टिप्स हैं वह मिस कर दिए हैं तो आप उन्हें इस चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर रेफर कर सकते हैं इन न्यूज़ टिप्स और वीडियो ट्यूटोरियल को ध्यान से सुने ताकि आप जो जी एस टी की इंटरेस्ट पेनल्टी और नॉन कम्प्लाइंस हैं उनसे बच सकें यदि आपने टैक्सी की मोबाइल ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो उसका लिंक भी इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है हम अपनी वेबसाइट पर जो इन्फॉर्मेशन है वो रियल टाइम में आपके लिए अवेलेबल कराते हैं यदि आपने हमारा न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक भी इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है यदि आपको ये चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें आप हमें फेसबुक जी प्लस पर शेयर कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी हमारे अपडेट्स जो है वो शेयर कर सकते हैं यदि आप जी जीएसटी से रिलेटेड कोई क्वेरी है या आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं टैक्सी डोटकॉम पर रेगुलरली विज़िट करें थैंक यू